हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रतीक एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन द देसी मुंडा चैनल। तो आज हम नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का व्लॉग या फिर पब्लिक इंटरेक्शन वीडियो। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं एक इंटरव्यू विद शरण्या शेट्टी। सो शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब इन हर फील्ड। शी इज़ रनिंग एन एनिमल हस्बेंड्री इन नासिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। देसी टीम, हमारी छोटी सी टीम है अभी फिलहाल तो, लेकिन आपका हमको आपका जो इंटरव्यू है हमारा पहला इंटरव्यू है। ओके या सो यस, तो आपके बारे में कुछ पहले बताइए आप। एक तो सबसे पहले थैंक यू कि हम मेरे बारे में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गए 15 सालों से काम कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम हुआ है कि लोग उनसे रिकग्निशन से भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। तो इसलिए आप लोगों ने सोचा मेरे बारे में, और आप लोगों का भी न्यू वेंचर है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, सुन के तो मुझे और थोड़ा सा खुशी भी हो रहा है, थोड़ा सा एंड जहाँ तक शरण का सवाल है या मेरे बारे में सवाल है, मैं आई एम अ बॉर्न मैंगलोरियन, मैं साउथ इंडियन हूँ, लेकिन दो साल की थी तब से नासिक में ही हूँ। तो नासिक में ही हूँ तो पेरेंट्स स्पेशली फादर बहुत ज़्यादा एनिमल लवर थे, तो हमेशा घर पे जानवर हमेशा रहे मेरे बचपन से। मुझे कभी ऐसे एक दिन याद नहीं कि घर पे कुछ डॉग कैट स्क्विरल बर्ड या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा फर्स्ट मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड भी, जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम छोटे थे, हम अपने को याद नहीं रहता है कि हमने बचपन में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड भी ऐसा है कि डैड होटेलियर थे, तो हमारा एक बहुत बड़ा फिश टैंक हुआ करता था घर पे। तो रात को डैड 1:30-2 बजे आते थे और मैं वेट करती थी डैड का। तो मेरा फर्स्ट मेमोरी भी ऐसा है कि मैं वेट करती थी कि डैड लाइट सब निकाल के, सिस्टर सब लोग सोए हैं इसे लाइट सब निकाल के फ़िश टैंक के सामने डैड बैठते थे और मुझे लैप में लेके मुझे वो फ़िश सब दिखाते थे। तो मेरा फर्स्ट मेमोरी भी बचपन का वही है। तो बचपन से जानवर हमेशा रहे, और एज एन एज बढ़ते गए फिर एक अफेक्शन वो नॉर्मली रह ही गया, लाइक इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, थैंकफुली माई फादर इन लॉ माई हस्बैंड दे आर बीइंग इन अ फार्मिंग फील्ड, तो फार्मिंग फील्ड वालों को थोड़ा सा एनिमल्स से लगाव होता ही है, वो तो है। तो ससुराल में भी वैसे ही कंटिन्यू हो रहा। दे वर लाइक सपोर्टिव टू यू बहुत ज्यादा। लाइक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट आल्सो फॉर मी टू कम सो फार। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। सो टेल मी अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज इट स्टार्टेड, मतलब आपने ये फील कैसा है कि हाँ मुझे करना चाहिए अभी। ये एक अराउंड 16 इयर्स बैक मैं अपना जो ZP का एरिया है ना, वहाँ से जब पास हो रही थी तो रस्ते के डिवाइडर पे एक जर्मन शेपर्ड को बांध के रखा था। एजेड जर्मन शेपर्ड था 100% एंड उस पे गाड़ी शायद प्रॉबेबली उन लोगों को नहीं चाहिए होगा, तो उन्होंने अबेंडन करने के लिए उसको क्या किया था, रोड के डिवाइडर पे बांध के रखा था ताकि गाड़ी उसके ऊपर से जाए एंड ही एक्सपायर्स। तो तब वो टाइम पे मैंने उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश की, फिर NMC में फ़ोन किया। तो NMC मुझे बोले कि हम लोग अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ते मेल्यावर हमें ये तो घायल। सो दैट वन सेंटेंस कि तो मेल्यावर हमें ये घे, तो जिंदा एनिमल्स के लिए यहाँ पे कोई कुछ करेगा नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं, लेकिन मरने के बाद हाँ डिस्पोज ज़रूर करेंगे। तो दैट थोड़ा सा बुरा लग गया था, क्रूएल थिंग। हाँ इट वाज क्रूएल एंड NMC डिडंट हैव द प्रोविजन, NMC वाज नॉट बीइंग क्रूएल बट दे डिडंट हैव अ प्रोविजन फॉर सच एनिमल्स, लाइक इंजर्ड एनिमल्स के लिए उनके पास था नहीं कुछ। तो फिर वैसे इसमें फिर एक कैसे भी करके वो डॉग छुड़ाया, हमारा एक फार्म था वहाँ पे लेके जाके रख दिया, बट दैट वॉज ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। फिर ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड से मैं बात करते करते उसको ऐसे ही बोला कि यार आई फेल्ट वेरी बैड। तो ही सेड कि हमारा जगह है उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कि वहाँ पे, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, तो उसको बोला कि मैंने वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स वैसे भी रखे थे, तो वो स्ट्रक्चर है तो तू लाके लगे तो तू यूज़ कर ले, अभी जो इंजर्ड 2-3 डॉग्स है तेरे पास तो रख ले वहाँ पे। तो मैंने बस ऐसे ही जस्ट खुद ने करना है वो डॉग्स को, मैं लेके आई हूँ तो अभी उनका कुछ करना है, इसके लिए मैंने वहाँ पे लेके जाके करने लगी। एंड देन फिर मैं खुद उसको अशोक स्तंभ लेके जाती थी, क्लीनिंग आई टू डू, फीडिंग आई टू डू, आई टू डू एवरीथिंग, देन आई टू गो टू अशोक स्तंभ फ्रिक्वेंटली नो। तो अशोक स्तंभ में ऐसे कोई जब जानवर जाता है वेटरिनरी जो पॉली क्लिनिक है, तो वो लोग मेरा नंबर देने लगे, तो ऐसे मेरा नंबर देने लग गए, होके मेरे पास डॉग्स बढ़ने लगे, डॉग्स बढ़ने लगे। तो
टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था. तो टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू के बाद और दो तीन लोग आ गए, ज्वाइन हो गए वो इंटरव्यू लेके. आफ्टर दैट आई रियलाइज कि अभी एंड वंस यू हैव 8 to 9 लाइफ इन योर हैंड, देर इज नो लुकिंग बैक. अभी अगर मैंने बंद भी किया तो ये जानवरों का क्या करूं? You are like mother to them. हाँ, अभी वापस उनको रास्ते पे नहीं छोड़ सकते. तो फिर until they survive करना ही पड़ेगा उनका केयर. तो वैसे ही वो बढ़ता गया बढ़ता गया. देन मेनका गांधी मैम का जो PFA है, मैंने ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन किया. एंड थैंकफुली PFA से इतना अपना शरण इज अ PFA यूनिट, जो पीपल फॉर एनिमल्स है मेनका मैम का, उनका यूनिट है. तो उनसे उन लोगों से सपोर्ट बहुत मिलता था कि कुछ क्रुएल्टी केस है, पुलिस नहीं सुन रही है, वो लोकल्स नहीं सुन रहे, तो तुरंत वहाँ से कॉल्स जाते थे उनके. तो वैसे कर करके लोग भी जुड़ते गए, सपोर्ट भी आता गया. फिर NNC के रेस्क्यूज करने लगे. तो फिर जैसे जैसे प्लानिंग कुछ नहीं था, बट हाँ नाउ वी आर प्लानिंग थिंग्स कि ऐसे करना है वैसे करना है. बट व्हेन वी स्टार्टेड प्लानिंग कुछ नहीं था, इट जस्ट हैपेंड. तो अभी ये जो आपका हस्बेंड्री है, तो इसमें टोटल कितने एनिमल्स है? सी हमारे पास 162 डॉग्स है, अराउंड 32 कैटल्स है, अदर देन दैट पिग्स है, डोंकीज है, डक्स है, रैबिट्स है, कैट्स है. तो वी हैव ऑलमोस्ट 200 प्लस एनिमल्स आते रहता. ग्रेट अमाउंट ऑफ नंबर दैट इज. एंड उसमें से ऑलमोस्ट 120 आर द वंस जो मैं कभी रस्ते पे वापस नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि दे आर हैंडीकैप्ड. सो दे आर माय रिस्पांसिबिलिटीज अनलेस अनटिल दे आर देयर. फाइनली दैट्स अ मदर लव. और वंस यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी हैंडीकैप्ड है वो सब टेक्निकली बहुत ये होता है कि वो एरिया डॉग्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वापस छोड़ना इज नॉट द आंसर. तो आपके आपका जब ये रन कर रहे थे, अभी कोई आता है कोई इंजड़ा जो कोई भी रहता एनिमल रहेगा, तो उसको आप किस प्रकार से अभी हेल्प करते हैं? मगर समझो कोई आपके पास एम्बुलेंस सर्विस है या फिर कुछ वैन सर्विसेज अवेलेबल है? सी अभी 15 इयर्स हो गए हैं, जसडायल में अपना नंबर है, सब जगह पे से अपना नंबर है. तो फिर लोगों को कॉन्टैक्ट्स मिल जाता है. तो हमारा वर्किंग ऐसे होता है कि वी गेट रेस्क्यू कॉल्स. अभी जस्ट डायल में डालो या गूगल पे भी आप डालोगे ना तो अपना नंबर आ जाएगा नासिक के लिए. तो लोगों का कॉल आता है, तो हमारे टीम है या वॉलेंटियर्स है 62, तो हमारे एक वॉलेंटियर्स का ग्रुप है जो उसमें हम लोग वो रेस्क्यू का पिक्चर, मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल देते हैं. तो फिर वो एरिया का जो वॉलेंटियर है वो पहले जाके उसको चेक करता है कि क्या सिचुएशन है. क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी डॉग्स इफ़ दे आर इन अ वे चलने लायक है, तो बाय द टाइम आपकी एम्बुलेंस पहुंच जाती है वो निकल जाते हैं वहाँ से. तो इट बिकम्स वेस्ट, क्योंकि एक कभी एक नासिक रोड से एक रेस्क्यू आया तो दूसरा रेस्क्यू पंचवटी से आता है. तो उतना टाइम एनर्जी चला जाता है ना. सो द वॉलेंटियर इज सपोज टू गो देयर एंड उसको देखता है, उस पर नज़र रखता है, बाय दैट टाइम अपना एम्बुलेंस जाके फिर उसको लेके आता. तो जो वॉलेंटियर्स है आपके पास में वो क्या फुल्ली ट्रेन डॉक्टर्स है या फिर? नो, ये वॉलेंटियर सब यंगस्टर्स है. ओके, यंगस्टर्स. डॉक्टर्स तो दो अपने पास शेल्टर के डॉक्टर्स है, दो डॉक्टर्स, वन इज फुल टाइम एंड वन इज विजिटिंग. ओके. तो अभी किसी को इंजरी होता है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह हम यहाँ पर ही करते हैं, यहाँ पे लाके करते हैं. तो हाँ, जितना अगर स्ट्रीट में होने जैसे पॉसिबल है तो वो जो वॉलेंटियर है उसको सब बता देते हैं, जो भी फॉलो अप है. अगर टैबलेट्स देने हैं, इंजेक्शंस वगैरह देना है तो मेक इट अ पॉइंट कि डॉक्टर को भेजे. अगर सिर्फ टैबलेट देना है तो उसको बता देते कि कौन सा कैसे कैसे देना है, तो वो हिसाब से वो वॉलेंटियर कर लेते. एक ऐसा फनी इंसिडेंट इसमें आपको किसी के थ्रू मिला हो, मतलब एनिमल किसी ने लाया और कुछ अजीबोगरीब ही हो गया? वो अजीबोगरीब इन द सेंस एक ऐसा अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक का. ऐसे तो हमारा फील्ड ऐसा है ना कि रोज़ कुछ ना कुछ एक, या तो वन टाइम इट इज़ वेरी फनी, एट टाइम्स लाइक हम लोगों को लिटरली लाइक अभी मेरे साथ जो चांस थी, शी इज़ अ एसिड अटैक सर्वाइवर. ओके, तो डॉग्स में भी वी टॉक अबाउट ह्यूमंस हैविंग एसिड अटैक्स, इवन डॉग्स आर अटैक. तो वैसे इंसिडेंट्स होते रहते. बट देन लास्ट वीक देर वॉज अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 मैन, जैसे अपने कैटल्स है, तो कैटल्स में किसी को देती नहीं अनटिल आई नो द पर्सन पर्सनली और मुझे पता ही वो कहाँ रहने वाले है, तो ही देती हूँ मैं. अदरवाइज आई डोंट गिव द कैटल्स. देर वे 4-5 बॉयज हु केम कि तो चॉकलेटी रंगाचा है ना, तो अमसा है. अमसा है, ठीक है, आप तुमसा कसा है? क्योंकि वो छोटा डॉग कर था ना, तब से वो मेरे पास था.
एंड वो आके उधर झगड़ा कर रहे हैं मुझसे इधर आके, एंड इट वॉज वेरी फनी क्योंकि ये लोग सब स्टाफ भी जानते हैं एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम कि वो मैम का लाडला है, वो बचपन से यहीं पे है, हाउ इज़ ही योर्स. तो इतना ऐसे वो द वे दे वे टॉकिंग कि नहीं तो हमसे और लिटरली झगड़े पे हो गए थे कि इट वॉज फनी फॉर मी कि तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारा है, क्योंकि आई हैव ऑल द प्रूफ्स, उसका सब है. छोटा डॉग के उतना बड़ा आया था 2-3 महीने का, मैंने संभाला है उसको, बट नहीं 3 दिन निकाला, रोज आके जाते थे. वेरी डिस्गस्टिंग थिंग, थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू से फनी भी है लेकिन इनप्रोप्रिएट किसी का. बट हम लोगों को भी आदत हो गई, वी मीट सच पीपल. अभी दैट लास्ट वीक, यस लास्ट वीक में नहीं, 3 डेज बैक रिक्शा में दो लोग आए, यू कैन एक दो लैब्स दिखेंगे. रिक्शा में आए वो लोग, पूछा नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं, वो दोनों लैब्स को बाहर ढकेल दिए और चले गए. अरे क्योंकि लैब्स को ढकेल के चले इसलिए गए क्योंकि यूजुअली हम लोग जो घर के जो डॉग्स हैं, अगर घर के डॉग्स को ये हमारे पास दे रहे तो वी चार्ज देम अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 5,000. इट्स अ वन टाइम पेमेंट जो उनको हमें देना है और इट इज़ वन टाइम, तो इसके लिए शायद दे डिडंट वांट टू डू दैट, तो छोड़ के ऐसे अबैंडन करके चले. ओके. सो टेल मी अबाउट, अभी ये प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिला या फिर ये गवर्नमेंट रजिस्टर से? सी, हम लोग फॉर ऑल द मैक्सिमम अमाउंट ईयर ऑफ 9 years एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग से काम करते थे, लाइक टेरेस में से. तो इट यूज़ टू बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि डॉग्स को या इसको उठा के थर्ड फ्लोर तक लेके जाओ, फिर नीचे लेके आओ. इट वॉज बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो एट दैट टाइम फिर आई यूज़ टू डू NMC के जो रेस्क्यूज है डॉग्स के एंड ऑल, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी. तो उन लोगों को प्रपोजल रखा था कि यॉल गिव मी लैंड, आई विल डू योर रेस्क्यूज. तो उन लोगों ने ये जो जगह है जो यूज़ नहीं हो रहा था उन लोगों को, दे गिव मी दैट. बट अभी इस यहाँ आके भी हमको 6 साल हो गए और यहाँ पे भी हमारा अभी इतना बढ़ गया है कि हम लोगों ने अभी वापस उनको प्रपोजल डाला था कि मुझे कम पड़ रहा है, आप लोग आगे का जो ओपन स्पेस है वो दे दो. सो नाउ दे हैव गिवन मी दैट ओपन स्पेस आल्सो. ओके. सो आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए वेरी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. और आप जो काम करें, इट्स एन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब. एंड दैट्स इट फॉर द डे. सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट टू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना. मैम, एनीथिंग यू वांट टू से फॉर द चैनल? जस्ट कीप अप द गुड वर्क एंड आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीबॉडी. ऑल्सो जस्ट वन मोर क्वेश्चन, आप जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक मैसेज है टू ऑल द यंगस्टर्स कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स को जानवर पसंद नहीं है. सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोगों को पसंद नहीं है तो हम ये नहीं बोल रहे कि उनको हाथ लगाओ, उनको पेट करो, एटलीस्ट उनको हर्ट मत करो. दैट इज़ ओनली थिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यंगस्टर्स को देखा जाते जाते बाइक में पैर मार के चले जाते, पत्थर मारते, एटलीस्ट डोंट डू दैट. हे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हाई, दिस इज़ अमृता एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड हमने ये जो इंटरव्यू शूट किया है तो हम उनका इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, प्लीज़ गो एंड फॉलो देम. एंड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कुछ हो, तो आप लोग प्लीज़ उनके DM करें. एंड फिर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना. और हमारे अमृते सर जो है उनका मैं आपका पेज दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का, तो आप उनको जाके वहाँ पे फॉलो भी कर देना. प्लीज़ फॉलो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज मेक श्योर यू DM हिम. So, bye-bye. Bye-bye.